हाय फ्रेंड्स, एक्सल सुपर 100 BS4 मॉडल का जो गाड़ी होते हैं, छोटा सा स्कूटी टाइप का, तो इसमें 24 नंबर का जो एरर कोड जो दिखता है उसका क्या प्रॉब्लम, क्या रीज़न निकलता है, ये चीज़ बताएंगे। तो 24 नंबर का जो एरर कोड जो दिखता है वो हॉल सेंसर का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में जो सिग्नल देता है। 24 नंबर मतलब दो बार आस्ते आस्ते ब्लिंक करेगा और चार बार काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक करेगा, मतलब 24 बार ब्लिंक होने से हॉल सेंसर का प्रॉब्लम होता है। तो हॉल सेंसर डायरेक्टली ला करके, नया ला करके चेंज कर देना। देखिए मैं एक बार लगा, नया खरीद के ला के लगाएं, सॉरी ये पुराना वाला रखा हुआ, ये देख पा रहे हैं हॉल सेंसर, इसी का नाम है हॉल सेंसर, ये जो देख रहे हैं ना, इसी की वजह से इस पूरा कॉयल को, आर्मेचर को पूरा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट में मिलता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका काफ़ी ज़्यादा दाम भी है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस वाले पैकेट में आते हैं, इसका दाम देखिए 2085 रुपये दाम है, देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 24 नंबर का जब भी एरर कोड आए तो कुछ नहीं करना है, बस हॉल सेंसर का चेंज कर देना। हॉल सेंसर बोलते ही ये आर्मीचर कॉयल को चेंज कर देना, जिसे आम भाषा में आर्मीचर कॉयल बोलते हैं। तो इसमें ये सेंसर का ही इशू ज़्यादा आता है इस वाली बाइक में, और BS6 में भी आ सकता है। ऐसा एक चीज़ बता देते हैं कि स्टील वाला जो इश्यू होते हैं ये सिर्फ हॉल सेंसर आता है। BS4 एक और एक्सल सुपर 100 है जो ब्लैक कलर का आता है, उसमें नहीं आता है हॉल सेंसर। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखें, जिसमें हॉल सेंसर लगा हुआ रहेगा उसमें ये स्टील वाला लगा हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायदे आप लोग समझ गए होंगे 24 नंबर के एरर कोड में क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।